अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने फुटबॉल का मैदान देखा ही होगा, शायद खेला भी हो। यह तो हमें पता है कि खेल शुरू होने के पहले फुटबॉल को मैदान के ठीक बीच में रखते हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में आमने सामने रहते हैं, एक टीम एक तरफ तथा दूसरी टीम दूसरी तरफ। मैदान में दोनों तरफ गोल पोस्ट होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यह बीच में रखे फुटबॉल से बराबर बराबर दूरी पर होते हैं। फुटबॉल के मैदान की मानक लंबाई 120 मीटर तथा मानक चौड़ाई 90 मीटर होती है। हालांकि खेल तो कितने भी बड़े मैदान पर हो सकता है, मैदान में खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ अपनी भूमिका के अनुसार फैले रहते हैं। हालांकि खेलते समय वे मैदान में हर जगह जा सकते हैं। दिए गए चित्र में हम दोनों टीमों के खिलाड़ियों की शुरुआती स्थिति को देखते हैं। चित्र के बाएं भाग में टीम ए है तथा दाएं भाग में टीम बी है। फुटबॉल मैदान के ठीक मध्य बिंदु पर है। मैदान पर मध्य रेखा जो दोनों टीमों को अलग अलग करती है खींची रहती है। अब इसके लंबवत एक खड़ी रेखा खींची हो तो फुटबॉल का मैदान चार भागों में बढ़ जाएगा। हमने ऐसा करके चित्र बनाया है। चित्र में मैदान के बाईं ओर टीम ए के खिलाड़ी और दाईं ओर टीम बी के खिलाड़ी हैं। बाईं ओर टीम ए के खिलाड़ी की शुरुआती स्थिति को A1, A2, A3 से लेकर A11 तक तथा दाईं ओर टीम बी के खिलाड़ियों की शुरू में स्थिति को B1, B2, B3 इसी तरह से B11 से दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं ये दोनों गोलकीपर सबसे पीछे गोल पोस्ट के पास हैं। उसके बाद फुल बैक है जो गोल पोस्ट से लगभग 20 से 25 मीटर आगे है। फिर मिडफील्डर है जो 40 से 45 मीटर आगे हैं। ठीक मध्य रेखा के पास दोनों तरफ के फॉरवर्ड अपनी अपनी ओर स्थित हैं। हम बाईं ओर यानी टीम ए की दिशा को ऋणात्मक दिशा व दाईं ओर टीम बी की दिशा को धनात्मक दिशा मानेंगे। उनकी स्थिति को इंगित करने के लिए हम मध्य बिंदु से गुजर रही रेखाओं से उनकी दूरी का इस्तेमाल करेंगे। गोलकीपर दोनों तरफ मध्य बिंदु से 55 मीटर दूर हैं, किंतु आड़ी रेखा पर स्थित हैं, अतः इन्हें 55-0 व ऋण 55-0 से निरूपित करेंगे। इसी तरह टीम ए के फुल बैक आड़ी रेखा के ऊपर के भाग में मध्य बिंदु मध्य रेखा के ऋण 35 और टीम बी धन 35 रेखा पर डटे हैं। टीम ए ने 3 फुल बैक रखे हैं और टीम बी ने 4 फुल बैक रखे हैं। ये सभी बीच की रेखा से ऊपर की ओर जिसे हम धन मानेंगे और नीचे की ओर जिसे हम ऋण मानेंगे पर हैं। टीम ए के 3 फुल बैक ऋण 35-20, ऋण 35-0 और ऋण 35-20 पर स्थित हैं। इसी तरह टीम बी के 4 फुल बैक धन 35-30, धन 35-15, धन 35-15 और धन 35-30 पर स्थित हैं। सोचे एवं चर्चा करें। अब आप भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैदान में फैले हुए दोनों टीमों के बाकी खिलाड़ियों की स्थिति पता कर उनके बिंदु लिखिए। करके देखें। वॉलीबॉल मैदान के नेट को मध्य रेखा मानकर इसके मध्य ठीक बीचों बीच एक लंबवत रेखा खींचिए तथा इसके कटान मध्य बिंदु से सभी खिलाड़ियों की स्थिति पता कीजिए। क्रिकेट के मैदान में बल्लेबाज की स्थिति को मध्य बिंदु पर एक आड़ी रेखा के लंबवत एक रेखा खींचकर खिलाड़ियों की स्थिति को दर्शाइए व उन बिंदुओं को लिखिए। आइए एक और उदाहरण से किसी तल पर रखी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाते हैं। आप कभी अपने शहर या कस्बे के सिनेमा घर में कोई फिल्म देखने गए होंगे, क्या आपको याद है कि आपने अपनी सीट कैसे ढूंढी थी? कुछ सिनेमा घरों में कुर्सी की पंक्तियों को A, B, C, D आदि नाम देकर प्रत्येक पंक्ति की कुर्सियों को क्रमांक 1, 2, 3, 4 आदि दे दिया जाता है। इसी तरह सभी कुर्सियों को कोई न कोई नाम जैसे A1, A2, B4, C19, D40 मिल जाता है।
मान लें किसी बड़े सभा कक्ष में आड़ी और खड़ी अनेक कतारों में कुर्सियां रखी हुई हैं। आप सभा कक्ष के ठीक बीच वाली कुर्सी पर बैठे हैं। आपके मित्रों के बैठने की जगह कहाँ कहाँ है यह आपको पता है, यह उन्हें कैसे बताएंगे? आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसके नीचे एक आड़ी पट्टी है जो सभा कक्ष के बाएं से दाएं किनारे तक गई है। यह पट्टी सभा कक्ष के फर्श को दो हिस्सों में बांटती है, आपके सामने का हिस्सा और आपके पीछे का हिस्सा। इससे आप सभा कक्ष की कुर्सियों के बारे में बता सकते हैं कि उनकी स्थिति कहां पर है। जैसे आपके सामने की कुर्सियां, पीछे की कुर्सियां और पट्टी के ऊपर रखी कुर्सियां। यदि ऐसी ही एक और पट्टी आपकी कुर्सी के नीचे से गुजरती हो जो पहली पट्टी के लंबवत हो और सभा कक्ष के सामने से पीछे तक जाती हो, तो यह पट्टी भी सभा कक्ष को दो हिस्सों में बांटेगी, आपके दाईं ओर का हिस्सा और आपके बाईं ओर का हिस्सा। इसी तरह कुर्सियों के बारे में बताने के लिए भी आपके पास कुछ और नई बात होगी, जैसे आपके दाईं ओर की कुर्सियां, आपके बाईं ओर की कुर्सियां और इस खड़ी पट्टी के ऊपर रखी कुर्सियां। अब आप देखेंगे कि सभा कक्ष का समतल फर्श चार हिस्सों में बंट गया है। इसके साथ साथ कुर्सियां भी चार हिस्सों में बंट गई हैं। कुर्सियों के संदर्भ में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि आड़ी और खड़ी पट्टियों पर भी कुर्सियां रखी हुई हैं जो चारों हिस्सों को अलग करती हैं और उनमें शामिल नहीं हैं। पिछली कक्षाओं में आपने संख्या रेखा का उपयोग किया है, यहाँ भी उसकी सहायता लेंगे। मान लें आपकी कुर्सी के नीचे से जाने वाली आड़ी और खड़ी पट्टियाँ दो संख्या रेखाएँ हैं जो एक दूसरे के लंबवत हैं और एक दूसरे को वहाँ काटती हैं जहाँ आपकी कुर्सी रखी है, यानी सभा कक्ष के ठीक बीच में। आपकी कुर्सी ही वह जगह है जहाँ दोनों संख्या रेखाओं का शून्य है। तो अब इस आड़ी पट्टी पर आपके दाईं ओर रखी कुर्सियों को क्रमशः धन एक, धन दो, धन तीन, धन चार आदि पर रखी गई कुर्सियाँ तथा बाईं ओर रखी कुर्सियों को क्रमशः ऋण एक, ऋण दो, ऋण तीन, ऋण चार आदि पर रखी गई कुर्सियां कह सकते हैं।